इस वक्त खबर बिहार से, जहां शेखपुरा जिले में भीषण गर्मी की वजह से 16 स्कूली लड़के लड़कियां बेहोश हो गए, जिसके बाद 8 लड़कियों को 2 अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हें बाइक और दूसरे अन्य साधनों के जरिए अस्पताल ले जाया गया और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोई एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। इस घटना से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं, उन्होंने चक्का जाम भी किया है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। वहीं बिहार के बेगूसराय से भी खबर, यहां भी इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खुले हैं। यहां पर मटिहानी मिडिल स्कूल के भी करीब 18 बच्चे आज बेहोश हो गए, इनमें से 16 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहोश हुए बच्चों में ज्यादातर छात्राएं हैं। और वहीं एलजेपी नेता चिराग पासवान का ये कहना है कि ये एक गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही कहा कि इतनी गर्मी में स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना, जिस तरीके से स्वाभाविक है भाई, गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए। आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे? तो 47 डिग्री है, लू है, इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये साफ दिख रहा कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहता। पटना में हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, यहाँ पर गर्मी का कहर इतना ज्यादा है, एक तो बच्चों के स्कूल खुले हैं, दूसरी तरफ अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है। दोनों ही जगह हमने देखा, चाहे शेखपुरा हो चाहे बेगूसराय, ये एक चिंतनीय विषय है। निश्चित रूप से जया, और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने जो सरकार में सहयोगी हो, चाहे बीजेपी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो या अन्य जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी हो, सब ने अपनी राय प्रकट की है कि जो शिक्षा विभाग है, खासकर फिलहाल जो गर्मियों के मद्देनज़र स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा विभाग है और खासकर जो शिक्षा विभाग में अभी प्रधान सचिव हैं, उनसे शायद सरकार की या जो सरकार को जिस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए उसमें कोई ना कोई कमी है, जिसके कारण इस तरीके की विरोधाभास की स्थिति है। वो चाहे विपक्ष हो या सत्ता के सहयोगी, सबकी मांग यही है कि फिलहाल गर्मियों के मद्देनज़र स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। और उसका आप कह सकते हैं कि जो जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, और शायद वो चुनावी कार्यों में व्यस्तता के कारण इस मामले में अब तक फैसला नहीं ले पाए हैं, और आज लगता है कि इस मामले में सरकार कोई ना कोई एक ठोस कदम उठाएगी। जहां तक एम्बुलेंस ना होने का सवाल है, उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि अधिकांश विद्यालयों में जो कक्षाएँ हैं उनमें पंखे नहीं हैं, उनमें पानी का प्रावधान नहीं है, जिसके कारण बच्चों को इतनी ज़्यादा कष्ट या बेहोशी की स्थिति हो जा रही है। यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं होनी चाहिए, उनका अभाव है, जिसके कारण बच्चों को इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस तो दूर की बात है, एम्बुलेंस तो ऐसे भी नहीं मिलता है, और जब आपको एक साथ 20 बच्चों को लाना पड़े तो निश्चित रूप से वैसे में आप बिहार के किसी भी ज़िले में उस संख्या के मद्देनज़र आपको एम्बुलेंस कभी भी नहीं मिलेंगे। जया, मनीष जी, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की पोल भी जरूर खोलता है, खासतौर से छोटे बच्चों के स्कूल अभी तक अगर ये खुले हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा मंत्रालय को भी इस बारे में सोचना होगा। जितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और कई राज्यों से हमने देखा हीट स्ट्रोक से मौत तक की खबरें आई, और यहाँ बच्चे जो हैं पंखा झेलते हुए नजर आ रहे हैं, व्यवस्था की कमी साफ तौर पर।
निश्चित रूप से जो शिक्षा विभाग को अगर स्कूलें भी चलानी हैं, यदि कक्षाएं भी चलानी हैं, निश्चित रूप से पढ़ाई होनी चाहिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन पढ़ाई किस परिस्थिति में होनी चाहिए, किस स्थिति में होनी चाहिए, उसके ऊपर भी विचार विमर्श होना चाहिए। और वैसे परिस्थिति में जब सरकार के अंदर के लोग, सरकार के सहयोगी अगर ये मांग कर रहे हों कि अभी फिलहाल गर्मियों की नज़र, तापमान के मद्देनज़र जो स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए, वैसे में सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय ना लेने के कारण बच्चों को इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जया, यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक शेखपुरा की तस्वीर, एक बेगूसराय के। इतनी गर्मी पड़ रही है कि बच्चे यहाँ पर स्कूल में बेहोश हो जा रहे हैं और उनको अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी जो चरमराई हुई व्यवस्था है उसको भी उजागर करता है।